राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर में मना रहा है अपना 93वां स्थापना दिवस समारोह। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हाल के वर्षों में बढ़ी है भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा। दुनिया का संकट कई बार हमारे देश के द्वारा किया गया है दूर। गृह सचिव अरविंद सिंह ने कहा, प्रदेश में 42% पुलिस के खाली पदों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया। 98,000 से अधिक पुलिस बल के लिए निकाली गई नई रिक्तियां। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने पर दर्ज कराई है FIR। गंभीर आरोप लगाते हुए की कार्रवाई की मांग। और आज नवरात्रि के नवे दिन मां सिद्धिदात्री की जा रही है आराधना। देवी मंदिरों और पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर में आज विजयदशमी के दिन अपना 93वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। संघ के स्वयंसेवक RSS के स्थापना दिवस समारोह के साथ साथ विजयदशमी उत्सव भी मना रहे हैं। इस अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सांस्कृतिक जागरण की परम्परा हमारे देश में लगातार चल रही है। अगर हमारा सांस्कृतिक जागरण होता रहा तो निश्चित तौर पर भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के आधार पर राजनीति की कल्पना केवल भारत की नागरिक ही कर सकता है और ऐसा महात्मा गांधी ने करके दिखाया। जिन अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उनका सामना गांधी जी ने निहत्थे खड़े होकर अपने नैतिक बल के आधार पर किया। भागवत ने सुरक्षा बलों के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि हमारी सुरक्षा के लिए जो सीमा पर बंदूक ताने खड़े हैं, उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। प्रत्यक्ष में इन हमारे जवानों के परिवारजन तो समाज में रहते हैं। उस समाज के वातावरण में आस पास पड़ोस से उनकी पूछताछ होना, घर में आना जाना रहना, उनके कुशल क्षेम की चिंता करना, जैसे पड़ोस में हम एक दूसरे की चिंता कर लेते हैं वैसे उनकी भी चिंता हो, विशेष रूप से हो, ये दायित्व तो किसका है? ये दायित्व तो समाज का है। भागवत ने कहा कि भारतवासी दुनिया में किसी से शत्रुता नहीं करते, लेकिन हमसे शत्रुता करने वाले कई लोग हैं। हमें उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। संघ प्रमुख ने कहा कि अगर कोई हमसे लड़ाई करने की हिम्मत ना करे तो हमें इतने बलवान बनेंगे कि दुनिया में भी शांति होगी और भारत में भी। सुरक्षा के प्रति हम लापरवाह हैं, ऐसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं। हम बहुत चिंतित हो गए, ऐसी स्थिति पहले कभी रही होगी, आज नहीं है। परंतु सतत सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तो सदा सारी दुनिया की मित्रता चाहने वाले, संपूर्ण दुनिया को अपना कुटुंब मानने वाले और संपूर्ण दुनिया के शांतिपूर्ण मधुर संबंधों की कल्पना करने वाले ही है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सत्यार्थी ने कहा कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति पर अभिमान करना चाहिए। उन्होंने देश के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण की अगुवाई युवाओं को करनी चाहिए। उन्होंने नए भारत के निर्माण के लिए देश को संवेदनशील, समावेशी, सुरक्षित, स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने की दिशा में पहल करने का मंत्र दिया। आपकी सेवा में एक पंचामृत प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इसे भारत के निर्माण का, नए मजबूत सशक्त गौरवान्वित भारत के निर्माण का मंत्र समझता हूं। पांच चीजों, पहली चीज संवेदनशील भारत, दूसरा समावेशी भारत, तीसरा सुरक्षित भारत, चौथा स्वावलंबी भारत और पांचवा स्वाभिमानी भारत।
गृह सचिव और डीजीपी पुलिस ने आज बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में खाली 42% पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 98,778 पदों के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में काम शुरू कर दिया है। 42,000 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का परिणाम 1 दिसंबर और फाइनल सूची 15 दिसंबर तक घोषित कर दी जाएगी। 32,000 सिविल पुलिस और 19,216 पीएससी में भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन 30 नवम्बर को लिए जाएंगे। परीक्षा 10 जनवरी को कराई जाएगी और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। कारागार विभाग में 3638 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें 626 महिला आरक्षी शामिल हैं। प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि लोकसभा चुनाव भर्ती प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है और 10 जनवरी तक सभी भर्तियां होनी हैं। ट्रेनिंग के लिए सीआरपीएफ के ट्रेनिंग समेत अन्य राज्यों में सहयोग लिया जा रहा है। वहीं जालौन और सुल्तानपुर में नए ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। जो एक मुख्य पुलिस में सुधार के लिए या पुलिसिंग में सुधार के लिए एक मेन कंस्ट्रेंट है, वो है मैन पावर की उपलब्धता का। एक बात बार बार ये भी आती है कि इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो नहीं हो पाती रिक्रूटमेंट के बाद में। उसके लिए एक मेन वजह यही है कि जब हमारे पास में मैन पावर कंस्ट्रेंट है तो फिर उनको छोड़ना ट्रेनिंग के लिए भी, इवन टू बी शेड्यूल्ड देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको फिर ट्रेनिंग पे भेजने में भी कठिनाई आती है, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धताएं ड्यूटी के प्रति थानों की और लोकल लेवल के ज्यादा होती हैं, तो ट्रेनिंग को भी भेजा जाना संभव नहीं हो पाता। जेल की पोजीशन देखें, जेल्स की, तो वहां पे भी जो जेल वार्डर्स की संख्या है उसमें भी लगभग 50% वैकेंसीज हैं, जिसके लिए भी अध्याचन बोर्ड को भेजा गया है और बोर्ड को ही रिक्रूटमेंट उसमें करना है। उसका भी रिक्रूटमेंट शेड्यूल क्या होगा वो वी विल डिस्क्लोज इट टू द पब्लिक टुडे। इसी तरह से फायरमैन लेवल के ऊपर अगर हम देखें, अग्निशमन विभाग में, उसमें भी लगभग 38% वैकेंसी फायरमैन लेवल के ऊपर हैं। सो वहां पे भी अभी हम कंस्ट्रेन है मैन पावर को लेकर के, और हम बेहतर सुविधाएं जो सरकार देना चाहती है उसमें ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेन हमारा इन तीनों जगह पे अभी है, जिसको हम जल्दी ही पूरा करना चाहते हैं। हमारी जो कमी है उस कमी को मद्देनजर रखते हुए शासन ने हमें ये अनुमति दी है कि हम भर्ती करें उसको, ताकि हमारा परफॉर्मेंस जो अभी है उससे कहीं और सुधर सके अगले वर्ष। और मैं चाहूंगा कि हमारा नियत जो बना है, हमारा शेड्यूल बना है, उस शेड्यूल के अंदर ही हम सारे कंडक्ट एग्जामिनेशंस के जितने भी हमारे विभिन्न चरण है उन सबों को हम संपादित करें, ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस को जो 97,000 की कमी है वो हम 22 जून और जुलाई नेक्स्ट ईयर पूरा कर सकें। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर गोमतीनगर थाने में केस दर्ज कराया है। राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया कि एक निजी न्यूज चैनल को बयान देने के दौरान आजम खान ने उनके परिवार की महिलाओं की हत्या और तेजाब से गलाने की धमकी दी, साथ ही उनके सामाजिक छवि को भी खराब कर दिया है। उन पर सांप्रदायिक दंगा भड़काने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने बुधवार देर रात मिली तहरीर के आधार पर पूर्व मंत्री पर केस दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर त्रिलोकी सिंह के मुताबिक राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान पर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रची गई। आजम खान से उनके परिवार को जान माल का खतरा है, वो लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आजम खान का बयान देश के हित में नहीं है, वो देश की अखंडता को तोड़ने की बात भी कह रहे हैं, इसके पीछे बड़ी साजिश है। लगातार बयान एक साजिश के तहत दिया जा रहा है। आजम पूरे देश में दंगा कराने व प्रायोजित कराने की साजिश रच रहे हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और रिटायर्ड जनरल वी के सिंह ने कहा है कि मोटूरी सत्यनारायण ने हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था, और आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान को शुरू करने में भी मोटूरी सत्यनारायण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और रिटायर्ड जनरल डॉ विजय कुमार सिंह ने ताजनगरी आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान के नवनिर्मित मोटूरी सत्यनारायण द्वार का लोकार्पण और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग के शैक्षिक सत्र 2018-19 का सत्र शुभारंभ करने के बाद अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्य द्वार बना है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी संस्था का मुख्य द्वार उसकी काबिलियत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय हिंदी संस्थान में 40 देशों के छात्र छात्राएं यहां शिक्षा ले रहे हैं, यहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं और नई तकनीक बेहतर होनी चाहिए और संस्था को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इसको शुरू करना होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की खासियत विभिन्नता है, अलग अलग देशों की संस्कृति अलग अलग है, इनका खान पान वस्त्र सब कुछ अलग होता है, लेकिन भारत में सभी संस्कृतियां देखने को मिल जाती हैं। कार्यक्रम में विदेशी छात्राओं ने राधा कृष्ण के स्वरूप बनकर डांडिया नृत्य कर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। इस संस्थान को शुरू करने के अंदर डॉक्टर मुकुरी सत्यनारायण जी का बहुत बड़ा योगदान है। दक्षिण भारत से आए, इस प्रकार उन्होंने हिंदी का जो प्रचलन था, जो हिंदी का प्रचार था, जो हिंदी का प्रसार था, जो हिंदी का शिक्षण था, उसके अंदर जो उनका योगदान रहा है, उस योगदान को उस रूप में देखना चाहिए कि उन्होंने एक का मार्गदर्शन रख दिया पूरे देश के सामने, पर आज जो मुख्य द्वार है वो उनके नाम पर बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए गाजीपुर के कार्यकर्ताओं से केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की उपस्थिति में सीधा संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने नवरात्रि की शुभकामना पूरे देशवासियों को देने के बाद भारत की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए वरदान साबित होगी। भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी दायित्व है कि सभी पात्रों को गोल्डन कार्ड अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि उनका इलाज सबसे आसान तरीके से संभव हो सके। इस अवसर पर मनोज सिन्हा की उपस्थिति में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री से कार्यकर्ताओं के इस संवाद कार्यक्रम को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम नाम दिया गया था। इस कार्यक्रम से गाजीपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश व्याप्त हो गया एवं उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर प्रचारित करने और उसका लाभ आम जन को दिलाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। मैं समझता हूं कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कार्यकर्ताओं से नहीं देश की जनता से भी निरंतर संवाद करते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं से, आशा वर्करों से, या जिनको अनेक योजनाओं का लाभ मिला, चाहे स्टार्टअप हो चाहे किसान के कार्यक्रम हो, अनेक लोगों से प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया। और मैं मानता हूं कि देश के पहले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं, सीधा संवाद देश की जनता से। और आज देश की राजनीति में मैं मानता हूं कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो जनता से इतना जुड़ा हो। स्वाभाविक रूप से आज का जो कार्यक्रम था उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, और जिस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जिस तरह स्पष्ट किया है, सरकार के कार्यक्रमों को जिस तरह से आगे बताया है, पार्टी के कार्यकर्ता पूरी जी जान से उसमें जुटेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल अपने एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज का लोक निर्माण भवन का निरीक्षण किया। उसके बाद वो पैतृक गांव बगुलहाई पहुंची, जहां अपने पिता डॉ. सोनेलाल की पुण्यतिथि पर उनका माल्यार्पण किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देशभर के अंदर चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चयनित कर उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में बदला जा रहा है, जिसके अंतर्गत 12 सुविधाओं का पैकेज इन हेल्थ वेलनेस सेंटर को मिलेगा, जिसका काम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। जंगला में पहले हेल्थ वेलनेस सेंटर की प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है और देश भर में यह मुहिम चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की बीमा की सुविधा दी जा रही है, जिसका लाभ देश के 40% लोगों को मिलने जा रहा है। पीएचसी और सब सेंटर स्वास्थ्य उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चयनित कर रहे हैं और उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदल रहे हैं, जिसमें 12 सुविधाओं का पैकेज मिलने वाला है और धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से हम ये काम कर रहे हैं। जंगला में ऐसे पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की है, देश भर में ये मुहिम चल रही है। और दूसरा, आयुष्मान भारत के तहत जो मैंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आपको के बारे में आपको बताया, 5 लाख रुपए का बीमा की जो सुविधा है वो देश की 40% आबादी को हम देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा का लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तक पहुंचने की केंद्र सरकार की मंशा पूरी होती नजर आ रही है।
बरेली जनपद में जिन मजदूरों का बीमा हुआ है उनको इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही इन लोगों को सरकार आयुष्मान योजना में सीधे तौर पर जोड़ा जा रही है। पिछले दिनों केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने घोषणा की थी कि देश के सभी मजदूरों को सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं जीवन सुरक्षा बीमा का लाभ देगी। घोषणा के कुछ महीनों बाद अब बीमा योजना का लाभ ले रहे असंगठित कामगारों को मिल रहा है। हमारे मंत्रालय ने जब से आदरणीय मोदी जी सरकार में आए हैं उनकी पहली चिंता रहती है कि आम आदमी और खासतौर से जो गरीबी रेखा के नीचे है या वो मजदूर, क्योंकि हमारे देश के अंदर 40 करोड़ वे मजदूर हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। सुविधा वाले मजदूरों की संख्या 6 करोड़ के आसपास है, तो यानी 6 करोड़ जिनको पूरा प्रोविडेंट फंड और ESI का लाभ मिलता है। बाकी 40 करोड़ वे मजदूर हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं जिनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। कुछ को छोटी छोटी मिलती है, पर सरकार ने अभी तय करा है कि 12 रुपए की जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, यानी 12 रुपए जमा करने पर 1 वर्ष का दुर्घटना बीमा मिलता है, और इसके साथ साथ 330 रुपए की जीवन बीमा योजना शुरू करेगी। ये पूरा टोटल है 342 रुपए का पैकेज। हमारे मंत्रालय ने तय करा है कि हम ये पूरा का पूरा धनराशि जो है, हमारा मंत्रालय और संबंधित राज्यों की सरकारें आधा आधा बहन करेंगी, यानी 171 रुपया श्रम मंत्रालय देगा भारत सरकार और 171 रुपये संबंधित राज्य की सरकार देगी, और ये योजना बड़ी सफल साबित हो रही है। योजना का लाभ पाने वाले लोगों में भी योजना को लेकर काफी उत्साह है। उनका कहना है कि इससे उनके परिवार को सुरक्षा मिलेगी। और ये जो सुरक्षा, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना जो है, इसका लाभार्थी भी हूँ मैं, और काफी समय से अपने, जैसे हम लोग अपने लिए कुछ सोच नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, हमारे परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कम इनकम है और उसमें आज की महंगाई को देखते हुए भी हम लोग अपने लिए ना जोड़ पाते हैं, ना ही अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, आगे के भविष्य के लिए कुछ कर पाते हैं। उसके हिसाब से ये योजना जो चलाई गई है बीमा वाली, बहुत अच्छी योजना है। प्रीमियम भी इसका पूरे साल, मतलब लास्ट ईयर का तो गवर्नमेंट ने ही दिया है, श्रम मंत्रालय द्वारा दिया गया है, तो ये तो हम लोग जैसे निम्न वर्गियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। नेपाल में भारतीय एम्बेसडर मंजीव सिंह पुरी अयोध्या पहुंचकर रेंज के कमिश्नर मनोज मिश्रा और जिलाधिकारी डॉ अनिल पाठक से मुलाकात की। मंजीव सिंह पुरी ने कहा कि भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही अटूट और प्राचीन है, इसको और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अयोध्या और जनकपुर का संबंध सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक है। इसे मजबूत करने के लिए विगत 11 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ अयोध्या और जनकपुर मैत्री बस यात्रा का शुभारंभ किया था। नेपाल सरकार में थोड़ी सी औपचारिकताएं शेष है जो शीघ्र ही पूरी कर ली जाएंगी और अयोध्या से जनकपुर बस यात्रा नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बस के अलावा अयोध्या और नेपाल को रेलवे लाइन से भी जोड़ा जाएगा। नेपाल सीमा तक भारत में बिहार के जयनगर तक रेलवे लाइन बन चुकी है, बस केवल अब नेपाल सरकार को अपने देश में रेलवे लाइन बनवाने की जरूरत रह गई है, जिसके लिए ब्रॉडगेज का निर्माण तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के संबंधों को और मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक आयोजनों का भी आदान प्रदान होगा। मंजीव सिंह पुरी ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध दोनों सरकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसे सरकार गंभीरता से ले रही है। मंजीव सिंह पुरी ने कहा कि इसके अतिरिक्त भारत में निर्मित हो रहे रामायण सड़क को नेपाल तक विस्तारित किए जाने की भी योजना है, जिससे भारत और नेपाल के संबंध और मजबूत हो सके। अयोध्या पहुंचकर मंजीव सिंह पुरी ने राम जन्मभूमि परिसर में रामलला और ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी में हनुमंत लला के दर्शन किए और कनक भवन में माथा टेकने के बाद गुरूद्वारा ब्रह्मकुंड भी गए। आना इसी कारण है कि हम जनकपुर और अयोध्या जो इतने प्राचीन संबंध है उनको और सुदृढ़ बनाना और आज के काल में उनको सुदृढ़ बनाना। जैसे आपको पता, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनकपुर गए, बहुत बड़ी सभा हुई और हमने उस समय उनके प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली जी के साथ एक बस सर्विस की पहली चरण पहले उसका उद्घाटन किया। वो बस सर्विस अब फाइनल स्टेजेस में है, नेपाल की तरफ थोड़ी सी उनके वहाँ औपचारिकताएं कम्प्लीट हो रही थी, वो शीघ्र ही हो जाएंगे और बस सर्विस शुरू होगी।
मुझे तो बड़ी खुशी एक और चीज की कि बहुत सालों के बाद अब जनकपुर को हम लोगों की भागीदारी के साथ एक ब्रॉड गेज रेल लाइन वो रेडी होने वाली, कुछ ही दिनों में वो भी रेडी हो जाएगी और फिर जनकपुर पहुंचने का एक और साधन भी हो जाएगा नेपाल की तरफ से रेलगाड़ी, जो हमारे यहाँ जयनगर एक स्टेशन है बिहार में वो वहां तक। तो ये प्रयास यही है कि ये जो हमारे प्राचीन काल से जो संबंध है उनको सुदृढ़ बनाया जाए, उनको और सहूलियत दी जाए और ये जो रामायण सर्किट है इसको रियली स्ट्रेंथन किया जाए क्योंकि लोगों की आस्था की है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर इलाहाबाद पहुंचे, कुंभ को लेकर अपने विभाग के साथ समीक्षा बैठक की और कुंभ कार्यों का जायजा लिया। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस बार के कुंभ मेले में गंगा यमुना के पानी में अविरलता रहेगी। हर साल साधु संत जल को लेकर स्नान का बहिष्कार करते हैं लेकिन इस बार उनकी भी इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। इस बार श्रद्धालुओं के लिए घुटनों तक नहीं बल्कि कमर तक पानी उपलब्ध होगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए 25 दिसंबर से टिहरी बांध से 2000 क्यूसेक और नरौरा बैराज से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का कड़ाई से पालन होगा। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रयागराज में हम कमर तक स्नान को पानी देंगे और प्रवाहित पानी देंगे। मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, विशेषकर इलाहाबाद की जनता से। इलाहाबाद की जनता पॉलीथिन का प्रयोग ना करें, संत महात्मा पवित्र जल से स्नान करेंगे कुंभ में। हम 25 दिसंबर को टेहरी डैम से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ने का काम करेंगे जो 15 दिन में यहां आ जाएगा प्रयाग में। और प्रयाग में पहले जो कुंभ का जो 14 जनवरी को जो पहला स्नान होगा वो बहुत पवित्र जल में संत महात्मा और श्रद्धालु गण स्नान करने का काम करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी का विशेष चिंतन है और विशेष ध्यान है। बुंदेलखंड के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सुविधा के लिए ई हॉस्पिटल सेवा शुरू हो गई। प्रदेश भर में ये सेवा 6 मेडिकल कॉलेजों में शुरू हुई है। इसमें मरीजों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट और फीस जमा करने की सुविधा मिलेगी। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर साधना कौशिक ने बताया कि इस सुविधा के तहत मरीजों को एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, वो नंबर मरीज को हमेशा काम आएगा। अभी ये पहला चरण है जिसमें मरीज की रिपोर्ट अपडेट की जाएगी, इससे वो देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे तो उन्हें अपने साथ डॉक्यूमेंट्स और जांच रिपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं होगी। मरीज वेबसाइट पर जाकर घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यदि वो ऐसा करने में असमर्थ है तो मेडिकल कॉलेज में आकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। मरीज सिर्फ एक यूनिक आईडी नंबर बताएंगे और कहीं से भी उनका डेटा और रिपोर्ट्स पता चल जाएगी। रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं, इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने पेशेंट अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां तक कि ये भी मायने नहीं रखता है कि वो गैर जनपद से हैं या गृह जनपद के हैं। इस नई योजना के लिए 11 लोगों का स्टाफ तैनात किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कर कमरों से ई हॉस्पिटल योजना का शुभारंभ हुआ है और यह योजना 6 मेडिकल कॉलेज और 2 संस्थानों में लागू हुई है। इस ई योजना हॉस्पिटल से रजिस्ट्रेशन की सुविधा पेशेंट को मिलेगी, ऑनलाइन होगा, एक पेशेंट को यूनिक आईडी नंबर मिल जाएगा और वो यूनिक आईडी नंबर उसका आगे तक हमेशा के लिए काम आएगा। जेवर में प्रस्तावित नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 72% किसानों की लिखित सहमति के साथ भूमि अधिग्रहण के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। संभावना है कि शीघ्र ही शासन की ओर से भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11A के तहत अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और जिससे समय पर निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जा सके। जो लॉ के अनुसार मैंडेटरी पब्लिक पर्पजेज के लिए लैंड एक्वायर की जाती है तो 70% कंसेंट की आवश्यकता होती है। मुझे कहने में खुशी है कि 70% कंसेंट इसमें दिया गया है। इसके अतिरिक्त लैंड एक्विजिशन का जो अगला स्टेप है उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को
सेक्शन 11A के तहत पब्लिक पर्पज के लिए लैंड एक्वायर करने के लिए अपने इंटेंट को जाहिर करने के लिए नोटिफिकेशन करना पड़ता है। 100 एकड़ से अधिक की जमीन है, इसलिए इसमें राज्य सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और इसलिए कलेक्टर के द्वारा इसमें जो रूल्स है उसमें कलेक्टर मतलब EDMLA, जिला कलेक्टर, कलेक्टर ऑफ द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। तो कलेक्टर के द्वारा ये प्रस्ताव कल रात में सभी औपचारिकताओं को पूरी करने के पश्चात शासन को भेज दिया गया है। जनपद संत कबीर नगर में 200 साल पुराना पीतल उद्योग पिछली सरकारों की उदासीनता के कारण बंद होने की कगार पर पहुंच गया था, जिससे यहां के कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया था। 1000 पीतल कारीगर दमनदीप गुजरात जैसी जगहों पर पलायन करने लगे। सरकार ने संज्ञान में लेते हुए कारीगरों के पलायन को रोकने के लिए कई कारगर कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सृजन रोजगार कार्यक्रम, ODOP योजनाओं के माध्यम से यहां की विलुप्त होती पीतल की कला को बचाने का प्रयास शुरू किया, जिसमें स्थानीय स्वयंसेवी संस्था की भी मदद ली गई। इस कदम का असर दिखने लगा। लगभग 175 कारीगरों ने घर आने का फैसला किया है, जिससे यहां के विलुप्त होती पीतल की कला को नई दिशा दी जा सके, जिसको लेकर यहां के पीतल कारीगरों के अंदर खुशी का माहौल है। उनका मानना है कि इस कदम से उनका सामान देश ही नहीं विदेश में भी अच्छा व्यवसाय मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट हर साल भारतीय सेना की गौरव गाथा को याद कर 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस के रूप में मनाती है। इस साल भी जाट रेजिमेंट के बहादुर जवान साइकिल रैली के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके तहत जाट रेजिमेंट के बहादुर जवान साइकिल रैली के जरिए बदायूं पहुंचे। शहर के लोगों ने दिल खोलकर गर्मजोशी के साथ जवानों का स्वागत किया है। कम लोग ही जानते हैं कि 27 अक्टूबर 1947 के दिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया था, तब पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब देने के लिए सिख रेजिमेंट को कश्मीर भेजा गया था। सिख रेजिमेंट पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस जीत की खुशी को लेकर रेजिमेंट हर वर्ष पैदल सेना दिवस जोर शोर से मनाती है। आज रैली बरेली से चलकर बदायूं पहुंची तो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट सतीश कुमार ने जाट रेजिमेंट के बहादुर जवानों का स्वागत बदायूं के लोगों ने गर्मजोशी के साथ किया। आज नवरात्रि का नौवां दिन है। आज मां दुर्गा के नौवें स्वरूप के रूप में सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मां सिद्धिदात्री के दर्शनों के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में सुबह से ही लोग मां के इस रूप के दर्शन के लिए कतार लगाकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जगमगाती रोशनी से नहाए दुर्गा मंदिरों की रौनक देखते ही बनती है। एक ओर जहां मंदिरों में भक्त पूजा के लिए उमड़ रहे हैं, वहीं कई जगहों पर लोग पूजा पंडाल देखने के लिए भी आ रहे हैं। वहीं गुजरात समेत कई राज्यों में गरबा और डांडिये की धूम है। प्रयागराज में आज नवरात्र के नवमी के दिन आलोपी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 52 शक्तिपीठों में से ये ऐसा खास मंदिर है जहां कोई मूर्ति नहीं रखी है। इसका नाम देवी आलोप शंकरी के नाम पर रखा गया है। नामकरण के पीछे भी एक मान्यता है। माना जाता है कि यहां शिवप्रिया सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरकर अदृश्य या आलोप हो गया था, इसी वजह से शक्तिपीठ को आलोप शंकरी नाम दिया गया। मंदिर प्रांगण के बीच के स्थान में एक चबूतरा है जहां एक कुंड बना हुआ है, इसके ऊपर एक खास झूला है। मान्यता है कि यहां कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर मन्नत मांगने वाले भक्तों की हर कामना पूरी होती है और हाथ में धागा बंधे रहने तक आलोपी देवी उनकी रक्षा करती हैं। संगम नगरी में तीन मंदिरों को मतांतर से शक्तिपीठ माना जाता है और तीनों ही मंदिर प्रयाग शक्तिपीठ की शक्ति ललिता के हैं। पहला मंदिर अक्षयवट है जो किले के अंदर स्थित है, दूसरा मंदिर ललिता देवी का मीरापुर के निकट स्थित है और तीसरा मंदिर आलोपी माता का है। कि एक खास बात यह भी है कि यहां का मंच रामलीला के मंचन के अलावा स्थानीय प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका भी देता है। इसके साथ ही शहर में अलग अलग स्थानों पर आयोजित रामलीला में रावण अंगद संवाद का मंचन, सीता हरण बालिका वध व लंका दहन का मंचन किया गया। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला में कुंभकर्ण वध का मंचन हुआ। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर में मना रहा है अपना 93वां स्थापना दिवस समारोह। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हाल के वर्षों में बढ़ी है भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा। दुनिया का संकट कई बार हमारे देश के द्वारा किया गया है दूर। गृह सचिव अरविंद सिंह ने कहा, प्रदेश में 42% पुलिस के खाली पदों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया। 98,000 से अधिक पुलिस बल के लिए निकाली गई नई रिक्तियां।
राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने पर दर्ज कराई है FIR। गंभीर आरोप लगाते हुए की कार्रवाई की मांग। और आज नवरात्रि के नवे दिन मां सिद्धिदात्री की जा रही है आराधना। देवी मंदिरों और पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।